अविभाजित कोरिया जिले की तीनों विधानसभा सीट में नामांकन और रैली में काफी उत्साह जनसैलाब देखा गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक भरतपुर सोनहर से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह चुनाव लड़ने आई हैं और यहां भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। इनकी तरफ से भी काफी जनसैलाब देखा जा रहा है और किस तरह से देखती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जनमत मिलने वाला है और क्या आधार है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है, जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जनता की उम्मीद बढ़ती जा रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ से विधायक बने, छत्तीसगढ़ में सरकार बनना तय है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरा लाभ मैं दे सकती हूँ। कांग्रेस का नारा है सत्ता पार, बीजेपी की क्या सोच रही? भूपेश के बंगले पे उदासी है और ये अपमान भी है कि मेरी सरकार जा रही है, इसलिए 5 साल में जो गड़बड़ी किए हैं अपनी फाइलों को ठीक करने में लगे हैं ताकि जेल जाने से बचे। आपके सामने प्रत्याशी की कहीं न कहीं उनका वो बढ़ने का मामला सामने आ रहा है? हाँ, उनकी संपत्ति इन 5 सालों में कई गुना बढ़ी है, बढ़ सकती है क्योंकि उन्होंने गरीबों के राशन तक को नहीं छोड़ा, 1 क्विंटल चावल हर महीने घर पे आता रहे, इसलिए 1.5 लाख तनख्वाह पा के टैक्स पे होने के बावजूद भी उन्होंने राशन का कार्ड बना लिया है। क्षेत्र की जनता इन सब बातों से अवगत है।